नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड के आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन सबमिट करने का निर्देश। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 31 जनवरी 2022 तक हर हाल में साल 2021 की अपनी अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन सबमिट करने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पत्र भी लिख दिया है। कार्मिक विभाग ने कहा है कि आईपीआर सबमिशन की तिथि हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित हर हाल में की जाए। भारत सरकार ने अचल संपत्ति विवरण को विजिलेंस क्लियरेंस से जोड़ दिया है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है, अगर अचल संपत्ति विवरण समय पर समर्पित नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में विजिलेंस क्लियरेंस को डिनाई किया जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार में सचिव और अन्य पदों पर इम्पैनलमेंट में भी अब आईएएस अधिकारियों को आईपीआर देखा जा रहा है। ऐसे में झारखंड में भी आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाना चाहते हैं, उनका पहले आईपीआर जांच होगा, इसके बाद ही इम्पैनलमेंट पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया गया है कि वो समय पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन समर्पित करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।